हेलो एंड वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज लेक्चर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रुप बिहेवियर्स की। ग्रुप बिहेवियर क्या होता है, इंडिविजुअल बिहेवियर क्या होता है और किस तरीके से काम करता है, आज हम ये पढ़ने वाले हैं। सो व्हाट इज ग्रुप? बेसिकली टू और मोर इंडिविजुअल्स इंटरैक्टिंग एंड इंटरडिपेंडेंट हु हैज कम टुगेदर टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। सो बेसिकली एक ग्रुप का मतलब एक से ज्यादा लोग, ठीक है, तभी जाके वो सेट ऑफ ग्रुप होगा। वो लोग आते हैं इंटरैक्ट करने के लिए, एक दूसरे पे डिपेंड करने के लिए कि कुछ काम हो, और जो एक साथ आते हैं एक ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के लिए, चाहे ये ऑर्गेनाइजेशनल गोल हो या फिर किसी ग्रुप का एक पर्सनल गोल हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप ऑफिस में आपके एक ग्रुप की बात करते हो तो वो टीम मानी जाती है, और वो टीम ऑर्गेनाइजेशंस, उनके कंपनी, उनके टीम को जो भी टारगेट दिया है वो अचीव करने के लिए एक साथ बैठते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पे, ऑफिशियल टाइम पे, और वो काम करते हैं। लेकिन यही ऐसा अनऑफिशियल या फिर एक पर्सनल ग्रुप है जो एक साथ मिलते हैं और उनका गोल जो रहता है वो शायद किसी का बर्थडे सेलिब्रेट करना हो, किसी का मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना हो या फिर किसी की शादी अटेंड करनी हो, तो वो एक पर्टिकुलर चीज़ को ऑर्गेनाइज करते हैं और उनके गोल्स को अचीव करने के लिए वो आगे बढ़ते हैं। यह है ग्रुप। अब ग्रुप्स के क्लासिफिकेशन भी होते हैं, फॉर्मल ग्रुप एंड इनफॉर्मल ग्रुप। फॉर्मल, जैसे मैंने कहा, एक ऑर्गेनाइजेशन में टीम है, ठीक है, वो है फॉर्मल ग्रुप। इनफॉर्मल यानी रैंडम, हम दोस्त लोग जब मिलते हैं, रिलेटिव्स जब मिलते हैं, या एक फैमिली फ्रेंड्स का गेट टुगेदर होता है, दैट इज इनफॉर्मल ग्रुप। सो फॉर्मल ग्रुप इज डिफाइंड बाय ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डेजिग्नेटेड विथ वर्क असाइनमेंट्स। तो ऑर्गेनाइजेशन एक स्ट्रक्चर से काम करता है, ठीक है, और वहाँ पे डेजिग्नेशन मिलता है आपको कि आप टीम लीडर हो, एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉय हो या फिर ट्रेनी हो, ठीक है, या सिर्फ एग्जीक्यूटिव हो आप, ये सारा आपका डेजिग्नेशन यहाँ पे मिलता है और आपको कुछ असाइनमेंट्स मिलते हैं उस हिसाब से। फॉर्मल ग्रुप्स में भी दो डिविजन्स है, कमांड ग्रुप एंड टास्क ग्रुप। कमांड ग्रुप क्या करता है, रिलेटिवली परमानेंट होता है, ये आपको कमांड करता है कि क्या करना है, और ए फंक्शनल रिपोर्टिंग रिलेशनशिप सच एज हैविंग बोथ ग्रुप अ मैनेजर एंड दोज हु रिपोर्ट टू द मैनेजर। सो ये एक दो रिलेशनशिप बनते हैं यहाँ पे, एक तो ग्रुप मैनेजर होता है जो जिनको हम रिपोर्ट करते हैं और यही अपने मैनेजर्स को भी रिपोर्ट करते हैं, इंक्लूडेड इन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। अब ये जो कमांड ग्रुप है ये ऑर्गेनाइजेशन के चार्ट में भी इंक्लूडेड होता है और ये रिलेटिवली परमानेंट पोजिशन होती है इनकी, जैसे कि अ मैनेजर एंड हीज और हर इमीडिएट सबॉर्डिनेट। मैनेजर क्या है यहाँ पे, एक कमांड ग्रुप है, सेट ऑफ मैनेजर्स अगर रहेंगे तो वो कमांड ग्रुप है और उनका जो इमीडिएट सबॉर्डिनेट है, एम्प्लॉय है, टीम मेंबर है, ठीक है, तो वो उनका सबॉर्डिनेट हो जाता है। टास्क ग्रुप बेसिकली काम करते हैं ये लोग, एक कमांड को फुलफिल करते हैं, गोल्स जो दिया रहता है वो फुलफिल करते हैं, तो ये टेम्पररी नेचर रहता है। क्रिएटेड टू डू अ स्पेसिफिक टास्क, एक पर्टिकुलर टास्क उनको दिया जाता है और वो पर्टिकुलर टास्क ही वो करते रहते हैं, जैसे कि सर्च कमिटी फॉर न्यू स्कूल सुपरिंटेंडेंट, टास्क फोर्स और न्यू प्रोडक्ट क्वालिटी। तो ये दो एग्जांपल है, इनको बोला है कि कमिटी सर्च करो, न्यू सुपरिंटेंडेंट को अपॉइंट करना है, टास्क फोर्स ऑन न्यू प्रोडक्ट क्वालिटी, एक टास्क फोर्स बनाओ जो नए प्रोडक्ट की क्वालिटी को जांचे, पहचाने, रिसर्च करें। देन इनफॉर्मल ग्रुप क्रिएटेड बाय म्यूचुअल अलायंस, यहाँ पे कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई कंपनी नहीं है, नॉट फॉर्मली स्ट्रक्चर्ड, कोई स्ट्रक्चर नहीं है फॉर्मली, यहाँ पे किसी का कोई पोजीशन नहीं है, डेजिग्नेशन नहीं है, नॉट ऑर्गेनाइजेशनली डिटरमाइंड नहीं है। अगर उनको लग रहा है आज मिलना है तो मिलना है, नहीं मिलना है तो दे कैन पोस्टपोन। अ
अपियर इन रिस्पॉन्स टू द नीड फॉर सोशल कॉन्टैक्ट, अपियर होता है इन रिस्पॉन्स टू द नीड फॉर सोशल कॉन्टैक्ट, अगर उनको सोशल कॉन्टैक्ट चाहिए सबका तो वो मिलते हैं, अदरवाइज दे डोंट मीट। इनफॉर्मल ग्रुप्स में भी दो ग्रुप्स है, इंटरेस्ट ग्रुप्स, फ्रेंडशिप ग्रुप्स। इंटरेस्ट ग्रुप्स में दोज वर्किंग टूगेदर टू अटेन अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव विद विच ईच इज कंसर्न। तो इनफॉर्मल ग्रुप में भी अगर समझिए आप कुछ फ्रीलांसिंग का काम करते हो, आपका फ्रेंड्स भी, आपके जो फ्रेंड्स हैं वो भी उसी में काम करते हैं उसी फील्ड में, तो आप लोग एक गोल अचीव करने के लिए मिलते हो, मतलब आपका इंटरेस्ट है कि एक पर्टिकुलर टास्क को फुलफिल करना, ठीक है। ये भी टेम्पररी है बिकॉज पर्टिकुलर कोई ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं है, कोई डेजिग्नेशन नहीं है, आप सिर्फ इंटरेस्ट है एक दूसरे के लिए तभी जाके आप मिलते हो। ऑर्गेनाइज अराउंड अ कॉमन एक्टिविटी और इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर, एक पर्टिकुलर सिस्टम में ऑर्गेनाइज है लोगों की कॉमन एक्टिविटी और उनके इंटरेस्ट के हिसाब से ये लोग अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हैं और मिलते हैं। फ्रेंडशिप ग्रुप दोज ब्रॉट टूगेदर बिकॉज दे शेयर वन और मोर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, तो एक दूसरे के लिए जब वो मिलते हैं जिनका कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, जो सिर्फ एक पर्टिकुलर सोशल मीटिंग के लिए आते हैं, ठीक है, उनका कोई पर्टिकुलर एजेंडा नहीं होता ऑर्गेनाइजेशन में जैसे होता है, ठीक है, तो एक साथ आते हैं बिकॉज दे शेयर वन और मोर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, एक या उससे ज़्यादा कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स उनमें होते हैं। जैसे आपके बिल्डिंग के कुछ दोस्त हैं जो रोज शाम को आपको शायद मिलते रहेंगे आपके सोसाइटी में या कॉम्प्लेक्स में, ठीक है, दैट्स अ फ्रेंडशिप ग्रुप। आपका कॉलेज का ग्रुप है, दैट्स अ फ्रेंडशिप ग्रुप। योर क्लासेस, जो भी आप क्लासेस में अगर जाते हो तो वो उनका ग्रुप है, राइट। देन ये भी ये रिलेटिवली परमानेंट है बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे जब तक आप लाइफ टाइम उनको सोचते हो अपने साथ रखने का तब तक आप रखते हो। ऑर्गेनाइजेशंस पे क्या होता है, जो फॉलोइंग ग्रुप है, जो एग्जीक्यूटिव ग्रुप है, ठीक है, जो टास्क ग्रुप है और जो इंटरेस्ट वाला ग्रुप है, वो कभी भी अपने इंटरेस्ट से बाहर चले जा सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के, अपने दोस्तों को छोड़ के। टास्क वाले भी वही करते हैं, उनको अगर ठीक लग रहा है तो कंटिन्यू करेंगे 1, 2, 3 साल, 4 साल, 5 साल, लेकिन अगर उनको कुछ और अच्छा बेनिफिट मिल रहा है तो शायद वो आपके लिए रुकेंगे। लेकिन इनफॉर्मल ग्रुप में लोगों का कोई अचीवमेंट नहीं होता, कुछ गोल नहीं होता, उनको कुछ रिटर्न्स नहीं आते बेसिकली, वो हाय हेलो तो चलता ही रहता है लाइफ टाइम, तो इसलिए ये परमानेंट है। ड्रॉज बेनिफिट्स फ्रॉम सोशल रिलेशंस अमंग इट्स मेंबर, सोशल रिलेशंस से वो बेनिफिट अपना लेते हैं, सोशली मदद मांगते हैं एक दूसरे को और सोशली बेनिफिशियल होते हैं एक दूसरे मेंबर्स के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड कीप मेकिंग नोट्स। बाय बाय।